जिस चीज को पाने की इच्छा आप रखते हो क्या उसके योग्य चाल चलते हो? आप कहते हो मैं भविष्यवाणी के अभिषेक को प्राप्त करना चाहता हूं, तो आपको उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है, उसके अनुसार ही चलना है लाइफ में, और कार्यों को नहीं करना है। अफिसियत जे 4:15 आयत, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो सिर हैं अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, मसीह में बढ़ते जाएं। आपका टॉपिक यही रहता है, पास्टर जी मैं मसीह में बढ़ना चाहता हूं, प्रभु में बढ़ना चाहता हूं। कहते हैं मसीह में बढ़ते जाएं, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। आपने कहीं मसीह में बढ़ना नहीं है, बढ़ते जाना है। हालेलुया, ये चीज लिखो, बढ़ते जाना है। हालेलुया, बढ़ते जाएं। तो 4:1-3 तक क्या लिखा है? इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, उसके अनुसार चलो, तो ही आप उसे गहरी रीति में प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको जो बताना चाहता हूं, मान लो एक प्रभु ने एक दास को एक गिफ्ट भी, आपके पास होता है, हो सकता है 5 गिफ्ट भी हो सकते हैं, कि एक प्रेरित पास्टर भी हो सकता है, वो नबी भी हो सकता है, वो सिखाने वाला भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, वो उपदेशक भी हो सकता है, वो रखवाला भी हो सकता है, ठीक है, और वो दूसरों को भी नियुक्त कर सकता है। मान लो किसी कोई मेरे स्पिरिचुअल सन है और मैं उनको गाइड कर रहा हूं, हो सकता है वो प्रोफेटिंग में बहुत बढ़ जाए, उसके ऊपर ये बुलाहट हो और वो एक ही काम हो उसका, बस प्रोफेटिक सर्विस करना। मान लो कोई शिक्षा लेने के द्वारा उसके ऊपर बुलाहट है चंगाई का मसा की, उसका एक ही काम है बस चंगाइयां करना, क्रूसड करना, उस चीज में एक में स्पेशलिस्ट हो सकता, उसको पता है ये बुलाहट है, अब मुझे ज्यादा ध्यान इसमें लगाना है अपना। मान लो कोई हो सकता है कि हाँ किसी बुलाहट में उसे चंगाई का है, किसी हाँ से हो सकता है उसकी लाइफ में सुसमाचार की बुलाहट है, तो वो उसमें उसके ऊपर चर्च की कोई रखवाली करना, कोई ज्यादा जिम्मेवारियां नहीं है, उसका काम है बस बाहर जाके प्रार्थना सभा को करना एक, तो वो उसमें उसको हाई गैदरिंग, बहुत लोग उसकी प्रार्थना सभा में इकट्ठे हो सकते हैं। तो हर एक की अलग अलग बुलाहट है। आपको दिखने मेरे अंदर खास चीज क्या है, प्रॉब्लम क्या है लोग, अगर एक प्रभु ने दास को किसी व्यक्ति को पास्टर के रूप में चुना है, वो सोचता है मैं उसकी तरह भविष्यवाणी क्यों नहीं कर रहा हूं। अगर एक व्यक्ति को प्रभु ने नबी के रूप में चुना है, भविष्यवक्ता के रूप में, वो सोचता है मेरे पास उस इतनी बड़ी गैदरिंग क्यों नहीं है। आपको क्या लगता है, आपको सोचते हैं नबी तो बहुत बड़ी अभिषेक की अनॉइंटिंग है, मैंने ऐसे नबियों को देखा है बहुत अच्छी भविष्यवाणी करते हैं, पर उनके पास गैदरिंग नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, उनका काम यही है अलग अलग शहरों में जाके भविष्यवाणी का काम करना। अगर वो सोचे मैं भी चर्च शुरू कर रहा, मेरा भी अपना स्थान होए, मेरे पास भी लोग आए, मेरे पास लोग क्यों नहीं है। अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। आपने देखने प्रभु ने मुझे किस कार्य के लिए बुलाया, हर एक को अलग अलग कार्य के लिए बुलाया। दूसरे के कार्य को देखेंगे तो आप अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, हमेशा याद रखना। दूसरे के तरीके से करेंगे तो आपको जो अपना तरीका जो गॉड ने आपके अंदर डाला है वो कभी इस्तेमाल नहीं होगा। हालेलुया। तो आपने उसे इस्तेमाल करना है, उसके अपने अंदर देखना है, ना कि दूसरी सेवकाइयों को देखना है दूसरियां क्या कर रही है, मैंने वो करना है। आपने मेरे अंदर परमेश्वर ने खास क्या डाला है, मैंने वो करना है। हालेलुया। लेकिन अपनी बुलाहट के अनुसार चलो, जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। एक टाइम आता है आपकी स्थिर बुलाहट आपकी लाइफ में आती है, उससे पहले हो सकता है छोटी छोटी बुलाहटों में आप चल रहे हैं, पर जब आपकी मेन बुलाहट आएगी आपको पता है अब सारी जिंदगी पूरी लाइफ यही काम करना है। एक टाइम आपकी लाइफ में वो आता है, टाइम लगता है उसके लिए। एक दिन जब मैं गिटार बजा के वर्शिप करता था, हो सकता है मैं सोचता था मैं एक आराधक हूं, पर वो मेरी मेन बुलाहट नहीं थी, वो मेरी मेन बुलाहट नहीं थी, वो मेरी आने वाली बुलाहट के लिए एक तैयारी का हिस्सा था। हालेलुया। इसीलिए हो सकता है आप किसी कार्य को कर रहे हैं पर आगे आपकी बुलाहट हो सकती है कोई, उसको आपने जब पुरापत कर लेते हैं, अब पता है आपको ये काम दिया है, अब मुझे इसी में चलना है। मान लो मैं कहूं हाँ प्रभु ने मुझे एक पास्टर के रूप में भी चुना है, तो मैंने चर्च की रखवाली भी करनी है। हाँ प्रभु ने मुझे एक अपोस्टल के रूप में भी चुना है, हाँ मैंने ब्रांच चर्च खड़ी करनी है। तो इस तरह क्या है,
और बहुत सारे पास्टर जितने, अगर बुधवार यहां पर प्रेयर सर्विस हो तो उसमें 10, 30, 20, 10, 15 प्रभु के दास होते, पास्टर होते, तो मुझे पता है मेरी ये बुलाहट है कि हाँ मुझे पास्टरों को भी ध्यान देना है, इनको भी मुझे स्पिरिचुअल सन्स की ओर भी देना है ध्यान, मुझे अपनी ब्रांच चर्चों की ओर भी ध्यान देना है, मुझे एक चर्च में जो मुझे हजारों लोग दिए चर्च में इनकी ओर भी ध्यान देना है, और जो ऑनलाइन आप बैठे हो आपकी ओर भी ध्यान देना है। तो अब मुझे पता है मुझे सुसमाचार के रूप में भी काम करना है, मैं एक पास्टर ही नहीं, मुझे क्रूसेड भी करनी, मैं एक सुसमाचार के रूप में मुझे काम करना है कि क्रूसेड भी मुझे करने है, हालेलुया। तो अब समझ रहे हो, तो मुझे पता है मेरे इन कामों में मेरी बुलाहट ऐसे एक ऐसे प्रेरित के रूप में, ऐसे नबी के ऐसे रूप में है। अगर मैं चाहूं कि मुझे, हाँ ठीक है, मैं केवल सुसमाचार की लाखों वाली गैदरिंग की मैं क्यों नहीं प्रचार करता, जहां मैं एक बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां क्यों नहीं करता, ये मैं आपको सिखा रहा हूं जितने प्रभु के दास देख रहे हैं, जो बन सेवा में आने वाले हैं या चल रहे हैं। तो अभी वो नहीं देखना कि हाँ मैं इस चीज में क्यों नहीं, क्योंकि सब कार्यों में कार्य करना है, हालेलुया, और सब चीजों में साथ साथ बढ़ना है, हालेलुया, किसी एक चीज को इनकार ना कर देना, अपनी बुलाहट के अनुसार चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोगों ने अपने सालों गवा लिए, एक प्रभु का दास ने कहा मुझे प्रभु ने, मुझे इतने सालों बाद पता चला कि प्रभु ने मुझे एक हीलिंग के गिफ्ट के लिए चुना है, मैं पहले ये काम करता था, ठीक है, कोई सेवा का काम था उसका, तो पहले मैं इसी काम में कितने साल लगा रहा, पर बाद में मुझे पता चला प्रभु ने मुझे हीलिंग के गिफ्ट में चुना है। और जब वो उस लाइन में आया, उसे पता चला, आवाज आई, इसलिए बोलता हूं आवाज सुननी भविष्यवक्ता के रूप में जरूरी है हमारे लिए। जब उसे पता चला मुझे इस कार्य के लिए चुना है, तो प्रभु ने उसे यूज किया। पर फिर कई वक्त चलने के बाद भी कई लोग फिर भटक जाते हैं। मान लो अब उसे प्रभु ने बोला होगा जाके अलग अलग जगहों में सुसमाचार के रूप में चंगाइयां कर, और वो प्रभु का दास अब चर्च लगा के बैठा हुआ गैदरिंग कर रहे, अब गैदरिंग में लोग नहीं बढ़ रहे, हीलिंग पहले तो हुई अब थम चुका है एक जगह काम, अब फिर से प्रभु की आवाज सुनने की जरूरत है। अरे बेटा, फिर वो प्रेयर में बढ़ेगा, जो चीजें मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं इन चीजों में बढ़ना है, फिर जब वो इन चीजों में बढ़ेगा प्रभु उनसे फिर बात करेगा, मैंने तुझे हीलिंग के रूप में तो अभिषेक किया था, पर मैंने तुझे चर्च लगाने के लिए थोड़ा बोला था, अलग अलग देशों में राष्ट्रों में जाकर हीलिंग के प्रचार के रूप में चुना था। अपनी बुलाहट के अनुसार चलो, अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। तो आज का टॉपिक क्या है, आओ भविष्यवाणी के मसा को, नबी के अभिषेक को, प्रॉफिट के अभिषेक को, प्रभु की आवाज को प्राप्त करें, हालेलुया। अपनी बुलाहट के अनुसार चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम में एक दूसरे की सह लो। तो आगे क्या, हम 4:1-3 आयत तक, और मेल के बंधनों में आत्मा में एकता रखने का जतन करो। तो नबी का, और हमें किन बातों में उन्नति करना है नबी के अभिषेक में बढ़ने के लिए, जे 4:1-3 इसमें क्या देखा, सबसे पहले नबी का क्या काम है, लोगों को उसकी बुलाहट के अनुसार चलाना। आप लिख सकते हैं, मगर अगर आप पास्टर हैं तो आपने लिखना मुझे दूसरों को क्या कैसे चलाना है, जो पहले टॉपिक मैंने दिए वो आपके लिए है कि मैंने दूसरों के लिए कैसे करना है। तो अगर आप एक बिलीवर हैं तो आपको ये अपने लिए लेना है कि मुझे अपनी बुलाहट के अनुसार चलना है। तो अगर आप एक स्थिर व्यक्ति के रूप में ठहराए गए हो तो उसका काम क्या है, लोगों को उनकी बुलाहट के अनुसार चलाना। बातें याद रखो, परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करना है, अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना। यहां लोग गलती करते हैं, कई बार उनकी अपनी इच्छाएं होती, मैं चाहता हूं मैं ये करूं, मैं चाहता हूं ये करूं, अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करना है एक नबी ने। तो क्या करना है, व्यक्ति को उसकी बुलाहट के अनुसार चलाऊं ना, ये इस चर्च का कार्य रहता है। व्यक्ति को दीन बनने में अगुवाई करना, नम्र बनने में अगुवाई करना, धीरज धरने में अगुवाई करना, यहां पर जो पॉइंट आए थे, सहनशीलता अपने अंदर रखने में अगुवाई करना, लिखते जा रहे हो, आत्मा में एकता रखना सिखाना, कि टीम में एकता रखो जी, एक दूसरे के टांग मत खींचते जाओ, एक को बुरा बनाकर अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश मत करो। अगर आप मसीह की देह में कार्य करते हो तो आपस में एकता रखने का जतन करो। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में
दीन करेंगे, नम्र करेंगे, धीरज रखेंगे अपनी लाइफ में, ऐसे नहीं अभिषेक आ जाएगा भविष्यवक्ता का। धीरज रखना है, आपने सहनशीलता रखनी है, अपने अंदर आत्मा में एकता रखने का जतन करना है। कुछ झुंड में जहां आप ठहराए गए हो, मैं तो नहीं रहा जाता चारा लोग का जी, तो बड़े अच्छे नहीं लोग, आपको एकता रखनी नहीं आती, सहनशीलता वहां पर दिखानी नहीं आती, तो इन गिफ्ट को देकर यहां पर आपके फल परखे जाते हैं। इन चीजों में फलों के साथ वरदान जुड़े हुए, फलों में चलना शुरू करते इन चीजों में, तो आपके अंदर गिफ्ट कार्य करना शुरू कर देते। जितना आप फलों में बढ़ते रहते हो, आपके गिफ्ट बढ़ते रहते हैं। मान लो आपने आपके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है, साफ नहीं हुई, आपका गिफ्ट आत्मिक उन्नति रुकी रहेगी। आपने किसी को माफ नहीं किया, आपकी आत्मिक उन्नति रुकी रहेगी। आपने किसी से क्षमा मांगी नहीं, आपकी आत्मिक उन्नति, आपके गिफ्ट रुके रहेंगे। हालेलुया। तो इसलिए फलों में चलना, ताकि आपके गिफ्ट कार्य करे। आत्मा के फलों को मांगना, वरदान भी साथ आ जाएंगे। जब फल जाएंगे, गिफ्ट जाएंगे, गिफ्ट यूज नहीं होंगे फलों के बिना। हालेलुया। तो आगे हम पॉइंट लिखेंगे, नबी का काम है कलीसिया को यहोवा का भय मानना सिखाना और उनको साहस को बढ़ाना कि हे छोटे झुंड मत डर। हालेलुया। नबी का काम है यहोवा का भय मानना सिखाना। मतलब आप अगर ये काम लिख रहे हैं, नबी का काम क्या है, तो जब हम मनन करेंगे, एक प्रभु के दास का, नबी का ये काम होता है एक प्रभु की आवाज प्राप्त करने वाले का। जरूरी नहीं आपको नबी प्राप्त करने के बाद आपको चर्च में एक चर्च चलानी है, ये चीज आपको ध्यान से रखनी। लोग को लगता है नबी का अभिषेक मैं प्राप्त करूंगा तो मुझे एक चर्च चलानी। नो, मैंने ऐसी एक नबूवत से बड़ी हुई सेवकाइयां देखी हैं जिसमें विश्वासी प्रोफेसी करते, विश्वासियों को बुलाया जाता है, विश्वासी आंटी जी आ जाओ, विश्वासी सिस्टर आ जाना चर्च में, आपने ठीक है हम एक प्रार्थना रखेंगे, आपने उनके लिए भविष्यवाणी करनी। हालेलुया। पर आज ऐसे फेथफुल लोग नहीं है, लोगों के अंदर विश्वास योग्यता नहीं है। आज लोग मान लो एक पास्टर किसी को नबी का अभिषेक, हीलिंग का अभिषेक दे सकते हैं, आपको पता है अनॉइंटिंग ट्रांसफर की जा सकती है। तो आज के लोग इतने फेथफुल नहीं है कि वो एक नबी के लिए एक छड़ी का काम कर सके, एक नबी के लिए कॉन्टेक्ट पॉइंट का काम कर सके। नहीं, उनको लगेगा ठीक है आज एक व्यक्ति को सिखा रहे हैं, कल वो हीलर बन जाएगा, भविष्यवक्ता बन जाएगा। ये सोचूंगा अच्छा मैं तो हूं अपनी चर्च लगाना, मैं प्रभु दास ना ज्यादा वड्डी भविष्यवाणी करता हूं, ये गलती है। वो अपनी बुलाहट का नहीं जानते। जरूरी नहीं आपको चर्च चलानी है, आप घर में नबी बन सकते हो। हालेलुया। तो आप एक विश्वासी बन के नबी के अभिषेक को प्राप्त कर सकते हैं। क्या करेगा विश्वासी अब यूज उसे, ठीक है वो प्रेयर करेगा, प्रभु से बात किया करेगा, क्योंकि उसने ये बातें अपनी जीवन में लागू की, उसने ये इच्छाएं रखी है कि मुझे हाँ नबी का ये काम होता है, हाँ प्रभु इन कामों को करने के लिए मैं समर्पित हूं तेरे सामने, मुझे ये वरदान दे दे, तो प्रभु उसे दे देगा कि मैं वफादार रहूंगा, ईमानदार रहूंगा, ये कामों को करूंगा जो प्रभु ने दास ने दिए हैं, जो देने वाले हैं, तो मैं तो प्रभु देगा। क्या करेगा वो विश्वासी, प्रे करेगा, प्रभु एक व्यक्ति को दिखाएगा इसका ये नाम है, तू चौथे घर में जाएगी, चौथे घर में ये नाम का व्यक्ति होगा, उसको ये प्रॉब्लम होगी, तूने जाके प्रे करनी, ठीक प्रभु से ठीक कर देगा। हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं इसको हीलिंग का वरदान है, ये प्रभु का कार्य है, वो कर प्रभु ने करना है। हालेलुया। तूने केवल वचन बताना है उन्हें, अब जो जा रहा है अच्छा चौथा घर, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, अच्छा है प्रभु ये बात सच भी होगी, ऐसे ना बेइज्जती हो जाए, इसको फेथ रखना है क्योंकि प्रभु से सुना है, जब प्रभु बात करता है उसे बिलीव हो जाता है कि ये परमेश्वर की ओर से जा रहा है। अच्छा बहन मैं प्रभु यीशु को मानती हूँ, मुझे पता चला, मैंने प्रे कर रही थी, मुझे पता चला कि आपके यहाँ कोई बीमार है, उसको ये प्रॉब्लम है, वो बोलेगी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ओके, ठीक है जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर मैं आपको ये, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह मुक्तिदाता परमेश्वर है, तो मुर्दों में से जी उठे हैं, हमारे प्रभु हैं, तो आप जब यीशु पर विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको चंगा कर सकते हैं। कि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप आधा घंटा वचन, तो वो बोलेंगे हाँ जी जी ठीक है हम विश्वास करते हैं इस बात पर, और आप बोलेंगे प्रभु मैंने अपना कार्य को किया, अपने कार्य को इस बहन के में पूरा करें यीशु के नाम में, जी चंगी हो जाए, और वो भाई है, वो बहन है, वो चंगा हो रहा है, ये है भविष्यवक्ता का कार्य। हालेलुया। तो वो आप एक उस गिफ्ट में बढ़ के आप एक अगुए से मिल सकते हैं, रियल नबी से, एक अच्छे शिक्षा प्राप्त व्यक्ति प्रभु के दास से,
वो आपकी अगुवाई कर सकते हैं, वो इसको कैसे यूज करना है, कैसे इसमें बढ़ना है। अगर आप एक चर्च के बिलीवर, तो चर्च आपको नबी के रूप में यूज कर सकती है, पर एक वो लंबा कार्य होता है। हालेलुया, वो लंबा एक कार्य होता है। कई लोग मैंने देखा, उनको इतना जोश आता है, वो चर्च में आएंगे, वो लिखा परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, और वो खुद ही चर्च में आके खुद ही विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। हाँ ठीक है, कई बार लोग रियल होते हैं, कुछ लोग अज्ञानता में करते रहते हैं। हालेलुया, तो इस चीज को आपने सीखना होता है कि कैसे हमने इस कार्य को करना है। अगर हम उस नबी की आवाज बनने, तो आप नबी की आवाज बन सकते हैं। कोई आपसे सपन का अर्थ पूछने के लिए आ सकता है कि मुझे ये सपन आया जी, क्या अर्थ है? प्रभु आपके ऊपर प्रकट कर सकता है, दानियल की तरह, यूसुफ की तरह। प्रभु आपको, कोई आपसे पूछने के लिए आ सकता है किसी कार्यों के लिए, क्यों? क्योंकि आपके पास कोई सेवा नहीं है, आपके पास कोई चर्च की जिम्मेवारी नहीं है, आपके पास कुछ और कार्य नहीं है, ये देखना वो देखना नहीं है। आप केवल एक 8-8 घंटे घर में प्रार्थना करने वाले ब्रदर हो, 8-8 घंटे 10-10 घंटे प्रार्थना करने वाले एलिया की तरह परमेश्वर के सामने बैठे रहने वाले व्यक्ति हो, और जब एक लोग प्रभु की संगति में जो बैठा रहे वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप एक आत्मा हो चुके हो, अब प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, इसका मतलब ये नहीं कि बाबा बन के बैठ जाना प्रॉफिट। हालेलुया, तो आगे आपको देखना है कि मेरे अंदर ये गिफ्ट काम कर रहे हैं। परमेश्वर से सीखना है, बाइबल से सीखना है, और एक सिखाने वाली चर्च में जाना है, ताकि जो आपको वो एक रियल दास से, जेन्युइन पर्सन से, जो आपको दबाए ना, रियल तरीके से आपकी अगुवाई कर सके, मिलना है, ताकि उस गिफ्ट को यूज कर सको। अपने लिए तो आप बहुत प्राप्त करेंगे। हालेलुया, तो इसीलिए तो उन्नति होगी हर एक के जीवन में, जो जैसी बुलाहट है वैसा वो चले। हालेलुया, और उनके साहस को बढ़ाना, जैसे लूका की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 32 आयत को, लूका 12:32 यहां पर लिखा है स्वर्गीय धन के बारे में, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये पाया कि तुम्हें राज्य दे। हमें बताना है लोगों को, उनको साहस देना है, उन्हें दिलेर करना है कि छोटे झुंड मत डर, खड़े रहो, अड़े रहो, मत डरो, प्रभु साथ है, प्रभु करेगा, शैतान की मत सुनो, प्रभु की सुनो, विश्वास को ना खो देना इन कठिन परिस्थिति में, अपने विश्वास को ना खो देना, ये छोटे झुंड मत डर, ये एक नबी का कार्य है। हालेलुया, तो आज लोग ये झूठा भविष्यवक्ता, ये झूठा भविष्यवक्ता, ये प्रभु की ओर से नहीं, ये झूठा, उनको उनकी ओर ज्यादा ध्यान बातें करने को अच्छा लगता है। इससे अच्छा ये है कि हम सभी कलीसिया के लोग प्रार्थना करें कि प्रभु अपने नबियों को, जिस तरह पुराने नियम में, नए नियम में अपने नबियों को खड़ा करता था, आज भी बहुत सारी दुनिया बचाने वाली है, अपने नबियों को खड़ा कर प्रभु, अपने सच्चे नबियों को खड़ा कर। कलीसिया, आज के बाद ही आपका प्रेयर का टॉपिक है। हालेलुया, कि प्रभु अपने सच्चे नबियों को खड़ा कर, अपने सच्चे दासों को खड़ा कर इस दुनिया में, ताकि वो तेरी आवाज बनकर दुनिया में तेरे कार्यों को कर सके। हालेलुया, तो कलीसिया को बोझ के साथ प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर सामर्थी नबियों को खड़ा करे। क्या आप इसके लिए प्रार्थना करेंगे? क्या मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का मैं सच्चा और सामर्थी नबी के रूप में खड़ा हो? तो अगर आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, तो मेरा बिलीव है प्रभु आपको ब्लेस करेगा उसी नबी के द्वारा। हालेलुया, आगे आपने क्या करना है? तो बाइबल में आपने नबियों को जानना है। आदम को अगर हम देखें, अब हम बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में अभिषिक्त नबियों को, जे मैंने कुछ बातें आपको सिखाई, अब बाइबल में कुछ अभिषिक्त नबियों के बारे में पढ़ते हैं। जब आप बार बार नबी के बारे में पढ़ते रहते हो, नबियों के बारे में पढ़ते रहते हो, तो आप नबी के अभिषेक को प्राप्त करते हो। हालेलुया, जैसे जितना भी मैं आपको बताता जाऊंगा नबियों के बारे में, जिस चीज में आप चलते जाएंगे, जैसे होता ना, जो चीज आप दिन भर देखते जाएंगे वही आपके सपने में आती है। आत्मिक चीजों को देखेंगे, आत्मिक सपने आएंगे, शारीरिक माहौल में रहेंगे, शारीरिक सपने आएंगे, शैतानी वीडियोस देखेंगे, शैतानी सपने आएंगे, सांपों की वीडियो को देखेंगे, सांपों के सपने आएंगे। इसी तरह जब आप प्रोफेटिक के बारे में सुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो, तो आपके ऊपर प्रोफेटिक का मसा बढ़ना शुरू हो जाता है। कितनी अद्भुत बात है। तो आगे अब हम बाइबल में पढ़ेंगे, आदम एक नबी था। अगर हम देखें तो उसने जानवरों के नाम रखे, पंछियों के नाम रखे, सारे जीव जंतुओं के उसने नाम रखे। तू ये होगा, तेरा नाम ये होगा, तेरा नाम ये होगा, तेरा नाम ये होगा,
तो आदम क्या था? एक नबी था, उसने हवा का भी नाम रखा, हालेलुया। तो इसलिए आदम एक नबी था, जो पहला आदम था इंसान। तो कितनी अच्छी बात है, हर के पास नबी का अभिषेक होना था, वो प्रभु की आवाज सुन रहा होता। अगर पाप में दुनिया में ना आता तो ये हर एक चलती फिरती एक नबियों का समुंदर होता, हालेलुया भरा। तो आदम एक नबी था, पढ़ेंगे इस चीज को, उत्पत्ति 2:20 को लिखा है, अत आदम ने सब जाति के घरेलू पंछुओं, आकाश के पक्षियों, सब जाति के बिनौने पशुओं के नाम रखे। तो आदम ने सबके नाम रखे, हालेलुया। अब लिखो उन प्रॉफिट्स के नाम। जब आप प्रॉफिट्स को पढ़ते हो तो आप नबी का अभिषेक प्राप्त करते हो। अगर आप प्रोफेटिक में बढ़ना चाहते हो, नबी के अभिषेक में आओ, हम नबी के अभिषेक में बढ़े। अगर हम नबी के अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या पढ़ना है? प्रॉफिट की किताबें पढ़ना है, यिर्मयाह पढ़ना है, यशायाह पढ़ना है, दानियल पढ़ना है। हमने प्रॉफिट की किताबें पढ़नी है, हालेलुया। कौन से जो नबी रहे बाइबल में? हाबिल, एक हाबिल उसके बाद नबी था। उसने जब भेंट चढ़ाई यीशु के समय के तक, हम उसे उसका एक भेद निकला, हालेलुया। हनोक नबी था, नू नबी था, अब्राहम नबी था, इजहाक नबी था, याकूब नबी था, यूसुफ, ये सब वे नबी थे जो परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, हालेलुया। ये नबी भी क्यों थे? क्यों? क्योंकि ये प्रभु के साथ साथ चल रहे थे, इसलिए नबी थे। इस रेवलेशन को लिख लो, परमेश्वर के साथ साथ अगर हम चलेंगे तो हम परमेश्वर की आवाज को प्राप्त करेंगे, हम एक नबी के अभिषेक को प्राप्त करेंगे। तो अगर हम प्रभु के साथ साथ चलने के लिए तैयार हैं, नबी का अभिषेक यही है कि ज्यादा समय प्रभु की संगति में रहना, ज्यादा समय प्रभु में बने रहना, अलगता में रहना, एकांत में बहना। तो जितना हम अलगता में रहेंगे, प्रभु के साथ साथ चलते रहेंगे, चलना नहीं चलते रहना। अब्राहम चला नहीं, चलता रहा, हालेलुया। मूसा चला नहीं, चलता रहा। तो प्रभु के साथ साथ चलते रहना। आप पवित्रता और प्रेयर में 6 महीने चलते रहे, 7 महीने चलते रहे, 8 महीने चलते रहे, 1 साल प्रभु के साथ चलते रहे, तो नबी का अभिषेक हो सकता है आपकी जिंदगियों में बढ़ना शुरू हो जाए, हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में ये बुलाहट है तो ये बुलाहट कार्य करना शुरू कर देगी। आपको पता है मेरी लाइफ में प्रभु की बुलाहट थी, जो बुलाहट प्रभु की मेरे लाइफ में थी, प्रभु ने मुझे सिखाया किताबों के द्वारा, अभिषेक दासों के द्वारा, प्रभु ने मुझे मेरी बुलाहट के लिए सिखाया और मुझे मेरी बुलाहट पे खड़ा किया। आपकी भी जो बुलाहट है प्रभु अपने दासों के द्वारा सिखाएगा, इसलिए आपने बाइबल में प्रभु के नबियों को पढ़ना है, इस दुनिया में प्रभु के दासों को सुनना है, अनॉइंटेड प्रीचर को, ताजो आपके ऊपर जैसी बुलाहट है आपने वैसे वैसे प्रीचर को सुनना है, आपके ऊपर जैसी जिस तरह का कार्य आप करना चाहते हैं आप वैसे उस तरह के अगुए को के साथ आपने जुड़ना है, ताजो आपके ऊपर वो अभिषेक रहे, वो चीज संगति के द्वारा आए, प्रभु के साथ संगति करने के द्वारा, प्रभु का अभिषेक साथ साथ चलने के द्वारा प्रोफेटिक अनॉइंटिंग आती है। एक प्रॉफिट के साथ संगति करने के द्वारा प्रोफेटिक अनॉइंटिंग आती है। जिस तरह आप प्रभु के दास नबी के साथ प्रेरित के साथ संगति करते बार बार बैठते हो, तो नबियों की संगति करने के द्वारा हम नबी के अभिषेक को प्राप्त करते हैं, अभिषिक्तों की संगति करने के द्वारा हम अभिषेक को प्राप्त करते हैं। तो अगर आप प्रभु के साथ साथ लंबे समय के लिए चलेंगे तो परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का अभिषेक, नबी का अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। मूसा नबी की लाइफ में इतना अभिषेक क्यों था? लाल समुद्र को 2 भाग करना, फिरौन के सामने इतनी सामर्थ्य चमत्कार करना, क्योंकि वो मनुष्यों से ज्यादा परमेश्वर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, क्योंकि वो मनुष्यों से ज्यादा परमेश्वर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। आज लोग रिश्तेदारों में जाएंगे, इधर चीजों में रहेंगे, उधर चीजों में रहेंगे। जब मैं इन चीजों को सीखता हूं, बार बार मनन करता हूं, तो बार बार फोकस परमेश्वर पर आता है। तो लोग मनुष्यों के साथ ज्यादा बैठते हैं, फोन के साथ ज्यादा बैठेंगे, इधर उधर की बातों में ज्यादा बैठेंगे, कार्यों में ज्यादा रहेंगे, तो कभी भी प्रोफेटिक में नहीं बढ़ सकते, हालेलुया। अगर प्रोफेटिक में बढ़ना है तो मैंने जो प्राप्त किया, जिसमें मैं मनन कर रहा हूं, आपको भी सिखा रहा हूं, तो हमें मनुष्यों से ज्यादा, मूसा परमेश्वर के साथ ज्यादा समय व्यतीत करता था, इसलिए उसके ऊपर इतना बड़ा अभिषेक था, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा उसके बारे में, हालेलुया। हम पढ़ेंगे निर्गमन 34:27-35 तक लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, यह वचन लिख, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इसराइलियों के साथ वाचा बांधी है। कई बार प्रभु मुझे इसी तरह देता है कि इन वचनों को लिख और लोगों को बता, हालेलुया। कहते इस वचन को लिख, 28 आयत में मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन
और 40 रात रहा। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा। चलो ठीक है, ये तो बात अच्छी है, 40 दिन और 40 रात रहा। पर और जब तक तब तक ना तो उसने कोई रोटी खाई ना उसने पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। हालेलुया। तो वो 40 दिन 40 रात ना खाया ना पिया, मूसा परमेश्वर के साथ रहा। वो मनुष्यों से ज्यादा परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता था, इसलिए उसकी लाइफ में इतनी चेहरे पर किरणें थी, इतना नबी का बड़ा अभिषेक था। हालेलुया। प्रभु पहले ही बता देता था ऐसा मैं करने वाला हूं, जब तू जाएगा, हालेलुया, तू फिरौन के पास जाएगा ये होगा। हालेलुया। प्रभु के साथ साथ चलना, प्रभु के साथ बैठे रहना, ज्यादा से ज्यादा समय अलग टाइम में रहना। तो आप जब इन वचनों को समझेंगे, इसके अपना खास हिस्सा बना लेंगे, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय उसकी 10 आयत को देखें, यहां पर लिखा है, कहता है, और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा। कितनी बड़ी बात मूसा के लिए लिखी है कि मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा, नबी कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की, और यहोवा ने फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने सारे देश में चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। हालेलुया। और सारे इसराइलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। हालेलुया। प्रभु कहता है, यदि तुम में एक बात लिखी हुई है वचन में, यदि तुम में कोई नबी हो, आपने लिखना है इस बात को, मूसा के बारे में जो कही थी, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा या स्वप्न के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। कहता है यदि तुम में कोई नबी हो, नबी के साथ प्रभु कैसे बात करता है, कहता है यदि तुम में कोई नबी हो मैं उसके ऊपर दर्शन के द्वारा या स्वप्न के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा और उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब दासों में विश्वास योग्य है। क्या कहा प्रभु ने, क्या गवाही दी, कहता है परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब दासों में विश्वास योग्य है। अगर प्रभु आप पर भरोसा कर सकता है तो वो आपको नबी का अभिषेक दे सकता है। कहता है मूसा सबसे ज्यादा विश्वास योग्य है, उससे गुप्त रीति पर नहीं परंतु आमने सामने होकर, मैंने कहता है मैं बातें परमेश्वर से करता था, गुप्त रीति में नहीं आमने सामने होके विश्वास योग्य था, कि कहे प्रभु मुझे एक ऐसा नबी बना जिस पर तू भरोसा कर सके। हालेलुया। मुझे एक ऐसा नबी बना जिस पर तू भरोसा कर सके।